जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि वड़ा पाव के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। सबसे सस्ता मुंबई में पेट भरने वाला स्ट्रीट स्टाइल आज मैं आपके लिए वड़ा पाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो चलिए बिना देरी किए हम वड़ा पाव बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ मिक्सर जार ले लिया है, इसमें हमने 8 हरी मिर्च, आधे इंच अदरक के टुकड़े को बारीक बारीक काट लेना है, 8 लहसुन की कली ले लेना है और इसे हमें बिना पानी डाले दरदरा पीस लेना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से दरदरे पीस चुके हैं। अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हम 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम 1 चम्मच पचफोरन डाल देंगे। पचफोरन में हमने इसमें जीरा, राई, अखा, धनिया, सौंफ और कलौंजी लिया है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें जीरा राई भी डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ आधा चम्मच चने की दाल डाल दी है और आधा चम्मच हमें सफ़ेद उड़द की दाल डाल देना है। इन सभी को हमें मीडियम गैस पे अच्छी तरह से चटका लेना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से चटक गए हैं। अब इसमें हम ढेर सारा कड़ी पत्ता डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से चटका लेंगे। अब हमने जो अदरक लहसुन और मिर्च को पीसे थे इस ऑयल में डाल के मीडियम गैस पे, इसे भी हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी भी जार में मसाले लगे हुए हैं, इसमें हमने 2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरह से हिलाकर मसाले में डाल देना है। आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है और इसे भी हम मीडियम गैस पे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से ऑयल न छोड़ दे। आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, मसालों में से ऑयल अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ 500 ग्राम आलू को पहले ही उबाल के रख लिए थे और इसका छिलका निकालकर हमने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इस मसालों में हम आलू को मैश करते हुए अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। आप जितना आलूओं को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जो वड़े हैं टेस्टी बनेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। और इसे भी हम आलूओं के साथ अच्छी तरह से पौने से मसलते हुए मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैं कैसे मसल रही हूँ, आप भी यही तरीके से कर लीजिएगा। अब इसमें हम ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी हम आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हमने 400 ग्राम बेसन ले लिया है, बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। आधा टीस्पून हम इसमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। आधा टीस्पून हमने यहाँ नमक डाल दिया है और इस बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना देंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बेसन को 5 से 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे ताकि हमारा बेसन हल्का हो जाए। और आप देख सकते हैं बेसन के घोल को हमने बहुत गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं रखा है। ऐसे ही बेसन का घोल आप बना लीजिएगा। हमारा आलू का मसाला भी अच्छी तरह से पूरा ठंडा हो गया है। अब हम आलू के मसाले को थोड़ा सा हाथों में ले लेंगे। आपको जो भी वड़े का साइज रखना है आप उतना आलू का मसाला ले लीजिएगा और इसे गोल करके इसे हमें हाथों से चपटा कर देना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से चपटे हो जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके हम अपने सारे वड़े बना लेंगे। हाथों में लेके इसे हमें पहले गोल कर लेना है, फिर हल्के हाथों से इसे हमें चपटा कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट,
शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एक एक करके हमने अपने सारे वड़े बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसे हम ले लेंगे और इस वड़े को हम बेसन के घोल में अच्छी तरह से पूरा उलट पुलट कर डुबो देंगे। और पहले से ही हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जब हम वड़े फ्राई करेंगे तब हमें गैस की आंच मीडियम रख देना है और एक एक करके हमें बेसन में डुबो डुबो कर वड़े को गर्म ऑयल में डाल देना है। डालने के बाद इसे हमें एक मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। एक मिनट के बाद हम वड़े को पलट लेंगे। आप देख सकते हैं एक मिनट हो चुका है। एक एक करके हम वड़े को पलट लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से मीडियम गैस पे फ्राई कर लेंगे। आप ये स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव अपने घर बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका वड़ा पाव कैसा बना था। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा वड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे और ऐसे ही एक एक करके हम सारे वड़े को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा वड़ा फ्राई हो चुका है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अभी तो ये वड़ा अधूरा है पाव के बिना, तो चलिए यहाँ हम पाव ले लेते हैं और इसे हम चाकू से बीच में कट लगा देंगे और इसके ऊपर हम हरे धनिए पुदीने की चटनी लगा देंगे और आप इस पे इमली की चटनी और सूखी लाल चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है इसलिए मैंने सिर्फ हरे धनिए और पुदीने की चटनी लगाया है। अब इसके अंदर हम वड़ा रख देंगे। अब बन गया ये पूरा स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव। आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसे हमने सर्व कर दिया है हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ, मिर्च के साथ और लाल चटनी के साथ। आप इसे किसी के साथ भी इंजॉय करें, मैं तो इसे इंजॉय करने जा रही हूँ। आप भी अपने घर ये वड़ा पाव बनाएं, खाएं। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।